हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SJS इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर, क्योंकि इस स्टॉक में जो है आपको आज एक ज़बरदस्त न्यूज़ आने वाला है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ हम लोग टेक्निकली लेवल्स को भी डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है, जिससे कि आपको सभी न्यूज़ और साथ ही साथ लेवल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग SJS इंटरप्राइजेस शेयर के ऊपर। स्टॉक में फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को 3% का गिरावट देखने को मिला। स्टॉक 620 रुपीज के लेवल पे फाइनली आपको क्लोज हुआ इंट्राडे में 19 रुपीज नीचे गिर के। लास्ट वन मंथ में अगर बात करेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे न्यूज क्या है, यहाँ पे न्यूज है जो प्रोमोटर जो है वो 30% अपना स्टेक यहाँ पे बेचने वाले हैं। अब 30% स्टेक प्रमोटर अगर एक साथ बेच रहे हैं तो वहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस है वो आपको 580 रुपीज़ है, जो कि 6.6% डिस्काउंट पे हो रहा है। जो मंडे का क्लोजिंग प्राइस है 620 रुपीज़ का, उससे 6.6% के डिस्काउंट पे जो है यहाँ पे होने वाला है। और जो पूरा का पूरा ये डील होगा वो होगा आपको 541.5 करोड़ का। यहाँ पे जो 30% स्टेक है, यहाँ पे 30% में दो प्रमोटर हैं, जिसमें कि एक जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं 29.53% सेल कर रहे हैं, ईवर ग्राफ होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 29.53% होल्डिंग सेल कर रहे हैं, इनके पास 34% का होल्डिंग है। वहीं दूसरे जो है सैंडर्स कंसल्टिंग, वो बेच रहे हैं आपको 0.56% होल्डिंग। चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो यहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग में आपको क्लियरली दिख रहा है एवरग्राफ होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास जो है ना 34.15% है। लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक को तकरीबन 0.7% से रिड्यूस किया, और अब यहाँ पे 29.5% से रिड्यूस करने वाले हैं, यानी कि उनके पास ओनली 5.65% का होल्डिंग जो है तकरीबन आपको बचेगा। दूसरे जो यहाँ पे प्रमोटर आपको सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे सैंडर्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास की 1.11% का होल्डिंग है, और वो भी यहाँ पे आपको 0.56% का होल्डिंग बेच रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो आशीष कचोलिया जी के पास 4.34% का होल्डिंग है, उन्होंने भी 0.9% से अपने होल्डिंग को रिड्यूस किया है। रेस्ट अगर बात करेंगे तो पब्लिक के पास जो है तकरीबन 30.74% होल्डिंग है। यहाँ पे धीरे धीरे हम लोगों को पब्लिक का होल्डिंग इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और DII की बात करेंगे तो DII ने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि दिसंबर 2021 में 18.32% का होल्डिंग था, जो कि अब ओनली 12.6% का होल्डिंग हो गया। तो तकरीबन लास्ट 2 ईयर की अगर बात करेंगे, अभी 2 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, 18 मंथ में तकरीबन उन्होंने 6% से अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो FII ने भी अपने होल्डिंग को यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर भी बेच रहे हैं, FII भी बेच रहे हैं, DII भी बेच रहे हैं, और यहाँ पे जो बायर है वो आपको पब्लिक है। इसके साथ ही अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोगों को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। दिसंबर 2020 से यहाँ पे जून 2023 यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट आपको एक ही रेंज में सेल्स कर रहा है, 83, 74, 57, 61, 66 ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में जो है यहाँ पे प्रोडक्ट का सेल देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर रेंज में है, 2-4 करोड़ ऊपर नीचे जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सेल्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स कंपनी में हम लोगों को ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे नज़र डालेंगे तो बैलेंस शीट में जो है शेयर कैपिटल आपको 30 करोड़ का है, रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए आपको पॉजिटिव बात होती है।
एक और जो पॉजिटिव बात है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। डेट जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 करोड़ का है, जो तो ज्यादा बड़ा डेट जो है यहाँ पे कंपनी के पास नहीं है। फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट भी हम लोगों को क्लियरली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कैश फ्लो जो है वो आपको कंसिस्टेंटली निगेटिव ही दिख रहा है। यहाँ पे मार्च 2020 और मार्च 2021 में जरूर पॉजिटिव में दिखा, बट अगेन जो है यहाँ पे 2022 के फाइनेंशियल ईयर में निगेटिव और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिला। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है काफ़ी अच्छा है। प्रीवियस 6 ईयर में मोर देन 22% का एक अच्छा एवरेज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर 5 ईयर्स में 22% के एवरेज से ROCE है तो ये एक अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ओवरऑल जो है कंपनी आपको अभी ठीक है, बट यहाँ पे प्रमोटर अगर एग्जिट कर रहे हैं तो ये दैट टू के इतने हैवी क्वांटिटी में एग्जिट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक बहुत ज़बरदस्त पैनिक सेलिंग होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर। स्टॉक आज ओपन होने वाला है समवेयर अराउंड 570 के लेवल पे जो है आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 570-565 ये सभी लेवल्स पे जो है स्टॉक आपको ओपन होगा। क्लियरली देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी ऊपर के लेवल से हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इसका मतलब है जो कहीं ना कहीं मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था इस डील के बारे में, और यहाँ पे ऊपर के लेवल से अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको 3-4 वीक से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा इस स्टॉक को 550-570 के लेवल पे। जिस लेवल पे फ्लोर प्राइस होने वाला है वही एक आपको सपोर्ट रेंज है, क्योंकि ये एक आपको अच्छा ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो तकरीबन 1.5 ईयर का एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे स्टॉक, और वापस से जो है इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये देखने वाला लेवल होगा जहाँ पे कि स्टॉक सपोर्ट लेता है नहीं। अगर यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले लेता है तो फिर वापस से कुछ टाइम कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इस पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है जो इतने बड़े ब्लॉक डील को खरीदने वाला कौन है। अगर कोई यहाँ पे बड़ा नाम सामने आता है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। सपोज अगर एक प्रोमोटर एग्जिट कर रहे हैं, दूसरे प्रोमोटर एंट्री ले रहे हैं, तो वो भी आपको एक पॉजिटिव होता है। तो इसके ऊपर भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपको डिपेंड करेगा, जैसे ही वो नाम क्लियर होगा जो कौन लेने वाला है, या फिर सारा का सारा ओपन मार्केट में ही जा रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको स्टॉक प्राइस डिपेंड करेगा। अगर कोई बड़ा नाम आता है तो फिर आपको सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से दिख जाएगा, अगर कोई बड़ा नाम नहीं आता है तो फिर स्टॉक इस सपोर्ट को भी शायद ही रिस्पेक्ट करे, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए अगर बात करेंगे तो पैनिक में सेल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो यहाँ पे पैनिक में सेल मत कीजिए। पहले इस लेवल को देखिए, 540-550 का लेवल को किस तरह से स्टॉक ट्रीट कर रहा है, उसके बाद ही क्लियर होगा। जो स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट अगर लेके सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेशन होता है तो वेल एंड गुड, सपोर्ट नहीं लेता है, स्टॉक अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एग्जिट के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।